नमस्कार, मैं ज्योति प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। भारत मीडिया में आपका स्वागत है। बेलथरा रोड के पास डम्बर बाबा का ऐतिहासिक मेला। मेले में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। मन्नतें पूरी होने पर श्रद्धालु चढ़ाते हैं भूसा। झूलों चरखियों पर मस्ती करते बच्चे। फास्ट फूड सहित मेले में बुलंदशहर का खाजा और घेवड़ भी। खबर बेलथरा रोड बलिया से। बेलथरा रोड के कृषि मंडी से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पड़ती पर लगने वाले मेले के बारे में आपको बताते चले कि डम्बर बाबा का नाम दिगंबर नाथ था, जो कालांतर में डम्बर बाबा हो गया। डम्बर बाबा के बारे में जनश्रुतियों से पता चलता है कि बाबा मिसरौली के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से थे। उस समय देश पर मुगल शासकों का साम्राज्य व्याप्त था। मुगल शासक के अधीन किसी रियासत में नौकरी करने वाले बाबा गोवंश के परम रक्षक थे। कथा प्रचलित है कि एक बार बाबा रियासत के मालिक के लड़के की बारात में आजमगढ़ के किसी रियासत में गए थे। उसने बाबा से कहा कि दिगंबर जाओ, घोड़ों की मालिश करो। दिगंबर नाथ इस बात पर भड़क गए, कहा कि यह हमारा काम नहीं। यह बात रियासत के मालिक को नागवार लगी। फलस्वरूप दिगंबर नाथ को तलवार देकर हुक्म दिया कि अहाते में बधी गाय का कत्ल करो, अन्यथा जान से हाथ धो बैठोगे। दिगंबर नाथ तलवार लेकर निकले तो 2 पहरेदारों को खुद की पहरेदारी में पाया। परिणामतः उन्होंने दोनों पहरेदारों को मार गाय को खूंटे से आज़ाद कर वहां से भाग निकले। परंतु अन्य सैनिकों ने दिगंबर नाथ को दौड़ा लिया और टॉस नदी पार करते समय उन पर भाला चला दिया। भाला लगने के बाद वे भागते हुए कुछ दूरी पर चरवाहों के पास जाकर गिर गए। उन्होंने उनको अपनी दास्ता सुनाई तो चरवाहे चारपाई मंगाकर उस पर लादकर उनके गांव मिसरौली की तरफ चले। रास्ते में जहां जहां चारपाई रखे वहां पर 50-50 बीघे जमीन परती छोड़ दी गई, जिसे पशुओं के लिए चारागाह के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी क्रम में मऊ जनपद में इंदारा के पास, बलिया जनपद के चरौवा और बेलथरा रोड के मिसरौली के पास 50 बीघे की परती है। यहाँ वर्ष भर कुछ न कुछ धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। लोग अपनी मन्नतें पूरी होने पर हरि कीर्तन भूसा के साथ प्रसाद चढ़ाकर अपनी आस्था जताते हैं। आप वीडियो में बच्चों को झूलों और चरखियों पर मस्ती करते हुए देख सकते हैं। मेले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। आज के मेले में एक मिथक टूट गया। जानकार बताते हैं कि मेले के दिन बाबा की कृपा से बारिश अवश्य होती है, परंतु इस साल बारिश का नहीं होना चर्चा का विषय है। इस साल मेले में फास्ट फूड की दुकानें खूब दिखी। वहीं बुलंदशहर का खाजा और घेवर भी मेले की शान बढ़ाते रहे। आप वीडियो के अंत में देख सकते हैं कि विशाल परती एक चरागाह के रूप में नज़र आ रही है। धन्यवाद। आप देखते रहें भारत मीडिया। भारत मीडिया के लिए बेलथरा रोड बलिया से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट।